Assalamu alaikum and welcome back to my channel Style Divers 2. Hopefully you're gonna like my all the videos और आप उनको बहुत appreciate भी कर रहे हैं, so nice of you. तो आज जो मेरा टॉपिक है जनाब, वो ना कोई मैं डिश बना रही हूँ, ना हम कहीं पे गए हैं, ना कोई शॉपिंग हो रही है, नथिंग लाइक दिस. आज की जो मेरी वीडियो है वो है रिगार्डिंग स्किन प्रॉब्लम. स्किन प्रॉब्लम डजंट मीन कि सिर्फ हमारे फेस इसमें आता है या हमारे हाथ इसमें आते हैं, बल्कि ओवरऑल स्किन में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और खासतौर पर विंटर्स में हो सकती हैं. जो माइनर जो हमारे पास स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें तो एक्नी है, स्कार्स हैं, एक्नी के स्कार्स हैं, इसके अलावा पिगमेंटेशंस है, इसके अलावा मोल हैं. तो ये तमाम कैटेगरीज जो हैं ये हमारे स्किन प्रॉब्लम जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं इनकी बात करनी हो ये इसमें आता है. तो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होम रेमेडी से कभी भी क्योर नहीं होती. उसको वो उसके लेवल को तो कम कर सकता है, लेकिन उसकी कोई होम रेमेडी के थ्रू जो है वो हम उसको क्योर कर सकते हैं. हमारे पास ज़्यादातर जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो उसके इफ़ेक्ट को कम कर सकता है, उसके रीजंस को कम कर सकता है, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है, लेकिन अगर आपको क्लियर अपनी स्किन चाहिए या उस प्रॉब्लम से जेन्युइनली आपने छुटकारा पाना है, देन यू शुड गो फॉर एनी स्किन स्पेशल, जिसे हम कहते हैं किसी बहुत अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो तब भी हमारी प्रॉब्लम क्योर होती है. लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट के अलावा हमारे पास कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं. तो हमारे ज़्यादातर जो अगर हम YouTube के ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें और या आम किसी से गुफ्तगू में स्किन के प्रॉब्लम्स सुने या उसके लिए क्योर सुने, तो वो सिर्फ ज़्यादातर एक्ने के बारे में बात करते हैं, पिगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, मोल्स के बारे में बात करते हैं, टैन स्किन के बारे में बात होती है. लेकिन एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम है और वो है वॉट्स. वॉट्स क्या होते हैं? वॉट्स हमारी स्किन के किसी भी पार्ट पे, आपकी आपके जो नकल्स हैं, आपकी जो हैंड्स हैं, आपकी नेक की जो ये जो लाइंस हैं इसके आसपास, नेक के बॉर्डर पे, आपकी चीक पे और स्पेशली आपकी आईज के पास जो है वो स्किन का सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसमें कुछ फैट्स भी हो सकता है और वो एक ड्रॉपलेट के तौर पर नज़र आता है, जैसे कि एक ड्रॉप है या मोल है. हालांकि मोल नहीं होता, वो पार्ट ऑफ अ स्किन ही होता है. तो वो अगर हमारी जो हमारे एक्सेस कर रहे हैं सामने बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड्स हैं, नेक है, फेस है, अगर उसके ऊपर वाजे हो जाए या उसके ऊपर निकल आए तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लगते हैं और उनको रिमूव करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. कुछ लोग इसके लिए भी ट्यूटोरियल बताते हैं कि कैसे रिमूव हो. इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन की जो हमारे पास मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर इसके लिए बहुत सस्ती सी एक एसिडनुमा चीज़ मिलती है, जिसको हम पॉइंटेड उस जगह पे पॉइंट करके लगाएं तो उससे भी वो रिमूव होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाए, या वो बहुत डेलिकेट जगह, जैसे कि मैंने आइस का एरिया बताया, वहाँ पे लगाएं और वो इन्फेक्शन कर दे आइस में, तो ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉट्स क्या होते हैं. वॉट्स, मैंने आपको बताया कि स्किन का सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में, बॉडी के स्किन के ऊपर अपर लेयर पे जो है एपिडर्मल जो लेयर है हमारी, उसके ऊपर ये वाजे हो जाता है और मोल की तरह लगता है, तिल की तरह से लगता है. रीजंस क्या है इसके? इसके रीजंस, आप हर जो स्किन प्रॉब्लम है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो स्ट्रेस होता है. दूसरे नंबर पे उसमें कुछ आपके जो विटामिंस हैं, जो आपके मिनरल्स हैं बॉडी में, उसमें अप डाउन हो तो तब भी ये चीज़ें जो है जाहिर होती हैं. इन वॉट्स का सबसे बड़ा रीज़न है विटामिन B12 डेफिशिएंसी. विटामिन B12 जो कि एग्स में मौजूद है, जो कि फिश में मौजूद है, अगर ये आप में बॉडी में कम होता जाए या आप उसके विटामिंस लेना कम करते हैं तो तब भी ये आपकी स्किन पे जाहिर होते हैं और आपको अलर्ट देते हैं कि यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12. और दूसरा बड़ा रीज़न इसमें ड्राइनेस होती है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई, आप बहुत ड्राई एरिया में हैं और वहाँ पे आपकी स्किन में जो है पैचेस भी पड़ रहे हैं और स्किन जो है वो श्रिंक होके या किसी भी पार्ट पे आके उसका वो वॉट बन जाता है, जो कि आपको अलार्म देता है कि यू हैव टू मॉइस्चर योर स्किन, यू हैव टू क्लीन ऑल योर स्किन, डीप क्लिनजिंग, और उसको मॉइस्चर रखें, तब भी ये वॉट्स जो है वो कम हो जाते हैं. लेकिन ये कि अगर बने हुए हैं, बन चुका है वॉट्स, देन यू शुड गो टू द कॉस्मेटोलॉजिस्ट. सो ये तो मैं आपको बता रही थी कि रीज़न क्या है, रीज़न वॉट्स होता है क्या और क्या रीज़न है इसके बनने के. तो और आपको किसके पास जाना चाहिए? कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वो ही आपके इस वॉट को इजीली रिमूव कर सकते हैं. आजकल तो बहुत ज़बरदस्त साइंस ने तरक्की की है और उसमें कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उनके पास बेहतरीन किस्म के गैजेट्स होते हैं और इन गैजेट्स के थ्रू वो उसको या तो बर्न कर देंगे या उसको रिमूव कर देंगे. सेम हैपेंड विद माई ब्रदर. भाई को भी प्रॉब्लम थी, उनके आइज के पास जो है काफ़ी वॉट्स बन चुके थे एंड ही हैज़ अ वाइट कॉलर जॉब और उसमें इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो मेरे प्रेशराइज करने पे वो मलिर कैंट में ही एडी मार्ट की तरफ हैं, डॉक्टर तस्नीम क्लिनिक, बेहतरीन क्लिनिक, बेहतरीन फैसिलिटी, ईच एंड एवरी थिंग वॉज सो कम्फर्ट ओवर देयर. और भाई के काफ़ी कंसर्न्स थे वहाँ जाने से पहले कि क्या होगा, मुझे यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हो भी पाएगी कि नहीं या कोई नुकसान ना हो जाए. बट द ट्रीटमेंट वॉज सो स्मूथ और उन्होंने, डॉक्टर तस्नीम ने
पहले स्किन को नम किया, यानी कि ताकि अगर उसकी ट्रीटमेंट करें तो उस वक्त उनको तकलीफ ना हो, और उसके बाद उन्होंने लेज़र की थेरेपी के थ्रू, अपने गैजेट के थ्रू जो है उसको उसी वक्त देन एंड देयर रिमूव किया, जो कि हार्डली हाफ एन आवर का प्रोसेस था। और उसके बाद जो है 2-3 दिन में वो जो उनके रैश हो गया, क्योंकि स्किन ज़ाहिर बात है स्किन पे ट्रीटमेंट हुई है तो रैश हुआ, और उसकी हमने ट्रीटमेंट की यानी कि ऑइंटमेंट लगाया, तो विद इन 3 डेज हिज स्किन वॉज क्रिस्टल क्लियर। सो लेट मी शो यू द ट्रीटमेंट। और वैसे मैं उनका इंटरव्यू नहीं ले सकी या उनसे बातचीत जो की वो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, लेट मी शो यू दैट ट्रीटमेंट। एड्रेस है इनका और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे कि मैंने बताया कि एडी मार्ट पे इनका क्लिनिक है। शी इज़ अ वेरी गुड गायनोकोलॉजिस्ट एंड एज वेल एज एस्थेटिक डॉक्टर। शी हैज़ गायनी ओपीडी सर्विसेज, हेयर ट्रांसप्लांट भी है, लेज़र हेयर रिमूवल, डर्मा फिलर्स अगर आप करवाना चाह रहे हो अपने हेयर और फेस पे, PRP का है आपका सिलसिला, बोटॉक्स है, कपिंग हिजामा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा थ्रेड लिफ्टिंग भी है। सो देखा आपने कि कितने इजीली ये जो अगली लुकिंग वॉट्स थे ये इजीली रिमूव हुए, और कितने अच्छे एनवायरनमेंट में हुए, और कितने स्मूथली हुए। उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी स्किन प्रॉब्लम देन यू शुड गो एंड विजिट डॉक्टर तस्नीम क्लिनिक नियर एडी मार्ट, आग खान लेबॉरेटरी के बैक में है इनका क्लिनिक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर तस्नीम का इंटरव्यू लूँ, उनकी जितनी भी ये सर्विसेज हैं इसके बारे में इंटरव्यू लूँ, और उनके अच्छे से क्या पैकेज हैं स्पेशली फॉर यू पीपल, तो डू लेट मी नो। और आप भी ज़रूर विजिट करें डॉक्टर तस्नीम क्लिनिक एट एडी मार्ट मलिकेंट। डिटेल मैंने आपको बता दी, प्रॉब्लम बताई, इसका सोल्यूशन बताया। होपफुली यू गोना लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट डू शो मी द थम्स अप। टिल नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, टेक केयर। Bye-bye.